बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी, मैं हकीम मोहम्मद मोइन, आप देख रहे हैं सूफियाबाद दवाखाना यूट्यूब चैनल। जी आज मैं आपके लिए सफूफ मुगलज सादा के लिए बहुत ही अच्छा और ज़मूदा नुस्खा लेके आया हूँ। जी जनाब, अगर आपको जरियान इतलाम है या मनी के कतरे आते हैं या रात को सोते वक्त आपके कपड़े इतलाम की वजह से ख़राब हो जाते हैं, और जो मेरे प्यारे भाई पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं या मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो उनसे गुजारिश है जनाब वो सूफियाबाद दवाखाना को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो अच्छे और आज़मूदा नुस्खा जात आप तक बआसानी पहुँच सकें। जिस मर्ज़ की असबाब अलामात और इनकी वजूहात वगैरह ऊपर आई बटन आ रहा है, अगर इस मर्ज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें, तो इस मर्ज़ की वजूहात असबाब और अलामात आप बआसानी जान सकते हैं। तो चले जनाब, बहुत ही अच्छा और आज़मूदा सफूफ मुगलज सादा। जी सफूफ मुगलज सादा मैं इसलिए कह रहा हूँ जनाब, इस नुस्खे पर आपका बहुत ही कम खर्चा आएगा और इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही अच्छा और आज़मूदा नुस्खा है। तो चले जनाब, सफूफ मुगलज सादा शुरू करने के लिए जो चीज़ आपको चाहिए वो फली। जी वो फली चाहिए आपको, और उसके साथ आपको चाहिए समर बर्गर। जी जो बोर्ड का फल होता है, यानी कि आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर कॉम्प्लेंसी लगी होती हैं जिसके अंदर बारीक बारीक दाने होते हैं, इसको समर बरगद भी कहते हैं। और इसके साथ आपको चाहिए समुंदर सोख। जी समुंदर सोख आपने ले लेना है। लाजवंती, जी लाजवंती भी आपको चाहिए। और ये जो तमाम चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ जनाब, ये पंसारी से बआसानी मिल जाएंगी। तो इसके साथ आपने शामिल करनी है लाजवंती। जी लाजवंती आपको चाहिए, और ये तमाम चीज़ें आपने 50-50 ग्राम लेनी है। जी बोफली, समर बरगद, समुंदर सोख और लाजवंती, ये आपने 50-50 ग्राम लेनी है। और इसके साथ आपने ले लेनी है मिश्री। जी मिश्री आपको चाहिए 200 ग्राम। और आखिर वाली चीज़ जो आपको चाहिए वह छिलका इस्कबोल। जी छिलका इस्कबोल आपको चाहिए 100 ग्राम। तमाम अद्वियात को अच्छी तरह से बारीक पीस कर आप सफूफ बना लें और किसी भी शीशी में महफूज कर लें। इसकी मकदार और ख़ुराक है जनाब, एक चाय वाला पूरा चम्मच जो आपने खाना है सुबह खाली पे ठंडे दूध से ले लें, और रात को सोते वक्त वो भी ठंडे दूध से ले लें। आपका मनी का जो भी पतलापन है, तो इंशाल्लाह ताला जनाब इस नुस्खे से आपकी मनी गाढ़ी हो जाएगी, और आपको जो भी मसला मसा रहता है जरियान इतलाम या मुजदी का, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको शफात आ फरमाए। सलामत रहें, आबाद रहें, फी अमानिल्लाह।